गेंद पकड़ी है धीरज द्वारा, राइट आर्म द विकेट, फर्स्ट गेंद, काफी तेज थी गेंदबाज, सुक्का जाए प्ले, इस तरह की टीम बिल्कुल नहीं, और धकेला किसी भी तरह, उसके नीचे क्षेत्र रक्षक और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, तो टीम का स्कोर 16 रन। जैसे ही विकेट कीपर भाई द्वारा आवाज हुई कि गेंद नहीं दिखाई दे रही, तो सबबता फील्डर को नहीं दिखाई दी, तो शुभकामनाएं, कमेंट्स होते रहते हैं, कमल द्वारा खराब क्षेत्र बिल्कुल पहुंचे यहाँ पे, श्री गौरी शंकर पोखरियाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन क्रीड़ा समिति द्वारा, और बढ़िया तौर सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन। खुश मुद्रा में और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 29 रनों के लिए ये शॉट, तो लगातार बढ़िया बल्लेबाजी, हवा देवी स्वागत करती है आपका, कितनी दूर से भी आए आप चाहे बल्लेबाज स्वागत करे तो हवा देवी कमेंट बॉक्स से अभिनंदन आपका भी टिंकू भाई, शुभकामनाएं सभी के लिए, बराबर गेंदबाज भी लगते हैं, लेकिन वापसी का भी गोल कभी भी बच सकता है, ड्रीम इलेवन की गोली खाल की तरफ से और क्लीन बोल्ड, और यही बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, जैसे छक्का लगा वैसे बढ़ गया गेंद और क्लीन बोल्ड, तो लगने चौथा ओवर प्रगति पर, और चेन सीमा रेखा पे वहां पे राकेश द्वारा बढ़िया कैच, तो लगने वाला दूसरा छटका, और आउट होके पवेलियन, कैच आउट, एक बार फिर बढ़िया गेंद इस बार, ओवर दैट्स ऑल, टप्पा खाने के, इस तरह से गेंदबाजी गर्म रखा है दिगोली खाल ने, ओ इस तरह बढ़िया फ्लैट छक्का एकदम से बल्ले से जैसी लगा तो दूर बरात किनार की तरफ गेंद निकलती हुई, तो 47 रन तेजी से लय पकड़ता हुआ, अब गेंद लॉफ्ट कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, और वन पॉइंट चौका आता हुआ, तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं वहां पे बल्ले, कदमों का इस्तेमाल इस बार, प्राकृतिक आपदा से एक बार फिर गेंद उल्टी दिशा में, जिस कारण पहला एक रन और मौका था वहां पे पलट, इस बीच अपना साइड थोड़ा सा चेंज किया था चंद्र प्रकाश द्वारा, वो लॉफ्ट कर दिया इस बार, और गेंद सीधा फ्लैट छक्का आता हुआ, तो कहीं ना कहीं तब पावर तोड़ पारी खेलने के मूड में, हेलो किस पांच पे, वो इस बार किसी भी तरह गेंद को धकेला उसके नीचे, वो मगर संतुलन थोड़ा सा पीछे रह गया था, और गेंद सीमा पार कर गई वन पॉइंट चौका, तो 81 रन स्कोर बोर्ड, कहीं ना कहीं लय पकड़ रहा है लगातार, अब देखना होगा खुशहाल है फिलहाल सामने, काफी देर से पिच के अंदर टिके हुए हैं कमल चले उनके लिए, बढ़िया कवर के भी ऊपर से निकाला और गेंद सीधा सीमा पार कर गई 6 रन के लिए, महत्वपूर्ण रन आते हुए अभी मानिला के लिए 90 रन स्कोर बोर्ड तेजी से लय पकड़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमल चले का भारी किनारा खड़मेल की दिशा में, जब तक गेंद वापसी आती पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरे रन लेने का कोई मौका नहीं वहां पे, इसी के बीच 10 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 92 रन, भौंकने स्कोर क्या था, धीरज बल्लेबाज प्ले, और गेंदबाज भुवन और आगे का चौहान जी, तो फिलहाल चले भुवन भाई, बढ़िया गेंद बल्ले का अंदरून हिस्सा फाइन होते ही फाइन लेग की दिशा में, रन लिया अपना खाता खोला हुआ पे राकेश भाई के लेके, बल्ले का कहीं ना कहीं भारी किनारा लगे, एक मौका बन सकता है कैच का, गली क्षेत्र बिल्कुल खाली, कवर लगा दिया गया एक और एक लॉन्ग ऑफ बिल्कुल डीप बाउंड्री लाइन के नजदीक, और फाइन लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत छक्का, बल्ले का बिल्कुल पेस खोला था और एक सुंदर छक्का आता हुआ राकेश के बल्ले से, इस बीच बढ़िया शॉट छक्का आता हुआ धीरज के बल्ले से, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में, पहले बता रहा था कि बड़े बल्लेबाज है फिलहाल, उनका रनअप मीडियम पेस जिसे कहा जाएगा, वो इस बार फाइनल की दिशा में बड़ा गैप और वन पॉइंट चौका आता हुआ, तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड लैप पकड़ता हुआ तेजी से 21, इस बीच चले धीरज सामने, ओ पूरी टाइमिंग के साथ पूरा इंतजार किया और एक बड़ा छक्का, इस बीच
इस बीच चले भैया करारा प्रहार प्लेट छक्का, तो इंतजार कर रहे हैं उसके बाद एक बड़ा शॉट लेने में कामयाबी मिल रही है। इसी बीच ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड बता दूं आपको 39 रन स्कोर बोर्ड, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। खचा खच भरा हुआ चारों तरफ, दर्शक ही दर्शक इस बार फैन लेग की दिशा में पड़ा गैप और गेंद सीधा सीमा पार कर गई 4 रनों के लिए। हेलो मेरा इस बीच बहुत फ्लैट छक्का स्क्वायर लग के ठीक ऊपर से सुंदर छक्का आता हुआ, खड़े खड़े खेलने का प्रयास। एक बॉल इकसठ रन अनिल भाई, तो धीरे धीरे मंजिल जो है उसकी ओर बढ़ता हुआ अग्रसर होता हुआ 4-2 बॉल ड्रीम इलेवन कलाबाजी। ओ इस बार एक और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से बड़ा छक्का आता हुआ इनका रन रेट स्कोर बोर्ड में देखने को मिल सकता था। ओ इस बार एक छक्का अनिल भाई विकेट के ऊपर से बहुत फुल टॉस था देख के और अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह। ओ इस बार ऑफ साइड में इतना आसान नहीं होता है, ऊंचाई भी ठीक ठाक और खिंचाई भी बढ़िया, तो 6 रन से नहीं रह पाए। कवर के ऊपर से बहुत शानदार छक्का आता हुआ राकेश के बल्ले से ओवर की समाप्ति सी किशोर है सर। लेफ्ट आर्म राउंड धीरज के लिए, ओ पटकी हुई गेंद और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ धीरज का और मुकाबले को भी हावी रहे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पहला मुकाबला खेला जाएगा सीली दल्ली वर्सेस समिति।